तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने बोला था कि चार चैप्टर हमें स्टडी करना है, उन चार चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड स्टडी करना है, और उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर, और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने कल भी बोला था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स आप लोगों को कम्प्लीटली प्रोवाइड कर देगा। जो भी वीडियो देखो बेटा, वो पूरा पूरा वीडियो देखो, ये आपके बेनिफिट के लिए सारा सिलेबस करवाया जा रहा है ना। सिर्फ टाइम पास ना सोचें, स्टिल कोई नहीं जानता कि कब स्कूल्स वगैरह खुल पाएंगे, कब क्लासेस शुरू हो पाएंगी, लेकिन जितना टाइम आपके पास मिल रहा है उसको पॉजिटिवली यूज़ कर लें। बहुत बेनिफिट 12th के एग्ज़ाम के मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, क्योंकि CBSE स्टूडेंट्स का आप मानकर चलो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासों में भी 50% के आसपास का कोर्स ख़त्म होने को आया है। तो हम इसलिए थोड़ा सा वो हमसे एडवांटेज ले लेते हैं, और वही एडवांटेज अगर हम लोग ले लें तो हमारे भी मार्क्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि कल 5 मार्क्स अपने को यहाँ पर निकाल कर देगा। इस चैप्टर में ना हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस चैप्टर को। पहला हिस्सा रहता है हमारे लिए थ्योरी का, और इस थ्योरी में अपने को ना 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करने को मिलेंगे। मैं एक एक चीज़ वो प्रिपेयर करूँगा जिससे कि आपका एग्जाम में भले ही वो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन क्यों ना देता हो, 5 थ्योरी क्वेश्चन है उससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन आएगा ये पक्का है इस 5 क्वेश्चन में से एक। और वो है बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए पार्टनरशिप का मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, पार्टनरशिप के टाइप्स, फिर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस जो रहेंगे वो इन दोनों में से ही रहेंगे मेन, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और पार्टनरशिप डीड अगर ना हो, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए थ्योरी से रिलेटेड, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देन आफ्टर हम लोग रीड करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ऑल ओवर अगर हम लोग कहें तो यहाँ 3 ही पॉइंट रीड करने हैं अकाउंटिंग में। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, जो कि 2 मेथड से हम लोग रीड करेंगे, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये क्या होता है ये जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। एक P&L अप्रोविशन अकाउंट और उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज हम लोग रीड करेंगे। जब पार्ट सी आएगा ना तो ये कुछ वर्किंग नोट है। टेक्निकली जब हम लोग ये बनाएंगे ना बेटा, ये बनाएंगे तो बनाते वक्त अपने को कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, और इन वर्किंग नोट को हम लोग कैलकुलेशन के नाम से कह रहे हैं, मतलब इनकी कैलकुलेशन होगी तो हम अकाउंट में लिख पाएंगे। 4 चीज़ों की कैलकुलेशन अपने को सीखना पड़ेगा। एक आएगा हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल रेशियो, एक आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पार्टनर्स कमीशन। ये हो जाएगा ना, यहाँ तक आपका 90% चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, इसके 3-4 क्वेश्चन नहीं, अदर्स में मैं 2 चीज़ें, एक तो आपका पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, ये क्या होता है वो सब टॉपिक के साथ समझाऊंगा। अभी सिर्फ व्यू बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, और एक है गारंटी ऑफ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर हम लोगों को रीड करना है। 4 हिस्से, पहला हिस्सा थ्योरी का, फिर अकाउंटिंग का, फिर कैलकुलेशन का, और फिर अदर्स का। हमारे लिए थ्योरी टॉपिक में 5 टॉपिक तैयार करने रहते हैं, पार्टनरशिप का डेफिनेशन, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप के टाइप्स, पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अकाउंटिंग में 3 चीज़ें हमने को सीखनी रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोविशन अकाउंट, जनरल एंट्रीज। उसके बाद हमारे लिए कैलकुलेशंस आएंगी, 4 तरह की कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशंस बड़े क्वेश्चन में तो काम आएगा ही आएगा, और इनका 2 नंबर 3 नंबर का अलग से क्वेश्चंस भी आता है, जिसमें 4 कैलकुलेशन में आपको सीखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पार्टनर्स कमीशन। और आखिरी में अदर्स, ये पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट और एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्ट ए थ्योरी। आज का क्लास थ्योरी, इसलिए मैं चाहूँ तो ठीक है जैसा सब कराते हैं प्रैक्टिकल लिया कराया खत्म कर दिया, लेकिन बेटा यहाँ 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए भी आपका इंपॉर्टेंस रहेगा, इसलिए हम लोग थ्योरी को कर रहे हैं। ये PDF आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी, अगर कोई ग्रुप में एड होना चाहे तो वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, और इस PDF में आपको जो नोट्स मिल रहे हैं ये नोट्स आपको आपकी नोटबुक में डिक्टेट करने हैं। तो क्योंकि अभी ठीक है अपन ऑन मैनुअल क्लासेस ले रहे होते तो मैं आपको लिखवा देता, बट ये जो मैं लिखवाता उसको मैंने यहाँ पर टाइप करवा दिया है। इस PDF को आपको मिल जाएगा, ये प्रॉपर आप अपनी नोटबुक बनाते चले। 5 क्वेश्चन अपने को थ्योरी में रीड करना है। सबसे पहला आता है सर पार्टनरशिप किसको बोलते हैं,
बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब होता है टू और मोर देन टू पर्सन्स जब भी किसी बिजनेस को करने के लिए एग्री होते हैं, जब भी किसी बिजनेस को करते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो टू और मोर देन टू पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ध्यान देना मेरी बातों को पूरा। पार्टनरशिप एक ऐसा ऐसा रिलेशनशिप होता है बेटा बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स में, जिसमें वो बिजनेस को कैरी आउट करते हैं और जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट हमारे लिए टू और मोर देन टू पर्सेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेन पॉइंट ये है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उस बिजनेस को। कैरी ऑन करने का मतलब बेटा उस बिजनेस को जो चला रहा है ना, कैरी ऑन कोई भी एक पर्सन भी कर सकता है या सारे पार्टनर्स मिलकर कर सकते हैं। बिजनेस कैरी कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है उनमें से कोई एक जना ही बिजनेस चला रहा है, हो सकता है सारे मिलकर भी बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो यहाँ ये है कि उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रॉफिट बेटा हमारे लिए, जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स में हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो बेसिकली पार्टनरशिप हमारे लिए एक ऐसा बिजनेस होता है बेटा जिसमें कि दो और दो से ज्यादा पर्सन में एक रिलेशनशिप होता है कि वो जो भी इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट डजेंट मैटर बिजनेस कैरी ऑन चाहे वो कोई वन पर्सन ही कर रहा हो या सारे ऑल पर्सन मिलकर कर रहे हो। मतलब पॉइंट पर एम्फसाइज करो, प्रॉफिट बांटना जरूरी है बेटा। बिजनेस कौन चलाए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक जना भी चला सकता है, दो भी चला सकते हैं, सारे मिलकर भी चला सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं उससे क्लियर करना। एक्स एंड वाई दो पार्टनर, ठीक है, और एक्स बिजनेस रन कर रहा है, कैरी कर रहा है, और एक्स वाई को ना एज ए मैनेजर अपॉइंट करता है और उसको हर महीने की सैलरी देता है। या मान लो अभी मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन एक्स ने क्या करा, वाई को बेटा एज ए मैनेजर अपॉइंट करा और उसको सैलरी देता है। यहाँ पर ना बेटा बिजनेस भले ही कैरी दोनों जने कर रहे हैं, चला दोनों रहे एक्स और वाई मिलकर, क्योंकि मैनेजर है तो वो दोनों मिलकर ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वाई को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है। बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो प्रॉफिट सिर्फ एक्स को मिलता है। वाई को तो ना एज ए मैनेजर सैलरी दे दी जाती है। वाई यहाँ पर इस बिजनेस का पार्टनर नहीं है बेटा, वाई यहाँ पर सिर्फ एक्स का नौकर है। इट इज नॉट ए पार्टनरशिप, ये हमारे लिए पार्टनरशिप नहीं होती। बिजनेस भले ही सब मिलकर चला रहे लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ एक्स एंड वाई दोनों ही बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऑब्वियसली हमारे लिए यह पार्टनरशिप कहलाएगी। भले कैरी दोनों कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मगर बिजनेस जो चलाया जा रहा है वो सिर्फ एक्स चला रहा है। कौन चला रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉफिट सब में बट रहा है, इसके लिए हम लोग इसको बट रहा है तो इसको हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे। तो पार्टनरशिप की दो मेन खास बातें होती हैं यहाँ, एक तो बेटा दो और दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, टू और मोर देन टू पर्सन होते हैं, उनके बीच एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि वो उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिजनेस का कैरी ऑन कोई भी एक कर सकता है या उनमें से सारे मिलकर भी कर सकते हैं, उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। अच्छा माइंड में बैठाओ, पार्टनरशिप में एक ही जना है या एक से ज्यादा? ऑब्वियसली सर एक से ज्यादा जने, दो और दो से ज्यादा पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। देखो जब भी दो और दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं ना, तो झगड़े होने के चांस होते हैं ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का केस होता है, और कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन करने के लिए अपन कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जैसा ना एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अधिनियम में जो कानून बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देते हैं। तो पार्टनरशिप में भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं क्योंकि दो और दो से ज्यादा जने मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए पार्टनरशिप पर एक एक्ट लागू होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है, बस वो डेफिनेशन हमने ध्यान रखनी है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बेटा जितने भी एक्ट होते हैं ना, कानून से होते हैं ना, उनमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे आपके चैप्टर होते हैं ना बुक में, वैसे ही कानून में सेक्शन होते हैं। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें प्रोविजन दी हुई हैं, उसमें से सेक्शन 4 में, तो ध्यान रखना, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हमारे लिए। एक तो इंडियन पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट लगता है बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा सेक्शन फॉलो होता है, तो सर सेक्शन 4 हमारे लिए फॉलो होता है। ये डिफाइन डेफिनेशन के सेक्शन में, तो सेक्शन 4 में है। ये डिफाइन क्या करते हैं,
पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पर्संस में रिलेशन होता है जो किस बात के लिए एग्री हुए हैं कि शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कि वो ना उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, हु आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस को कैरी ऑन कौन कर रहा है, इट डजंट मैटर। तो आगे तीसरा एक लाइन आपको यही कह रहा है कि कैरीड ऑन ऑल, चाहे तो उसको कैरी सारे कर रहे हो, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे एक सबके लिए भी बेटा चला रहा हो तो भी बेटा वो हमारे लिए पार्टनरशिप कहलाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसे हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे। इंग्लिश मीडियम लिया है हम लोगों ने, प्योर कंटेंट को समझते हुए बेटा अपने को वर्डिंग्स को लेना है, ध्यान रखना। तो बेटा अकॉर्डिंग टू 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है, तो चीज को ध्यान रखना, इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, पर्संस के बीच, पर्संस मतलब एक नहीं एक से ज्यादा हो गए ना, पर्संस में, और किस बात का, हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार हुए हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब सबके लिए वो एक जना ही चला रहा है तो भी वो हमारे लिए पार्टनरशिप कहलाएगा, मतलब चलाना जरूरी इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ चला तो सब भी सकते हैं या कोई एक भी सकता है, इंपॉर्टेंट यह है कि प्रॉफिट को शेयर बांटा जाए, उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में जो पर्संस बेटा इंडिविजुअल यहाँ पर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, उन बंदों को बेटा हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स कहते हैं, उन बंदों को जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम लोग पार्टनर्स कहते हैं, और साथ ही में जो कलेक्टिवली वो जो बिजनेस बना है ना बेटा, चार जने मिले एक्स वाई जेड ए, तो एक्स वाई जेड ए तो कहलाएंगे पार्टनर्स, और जो ये बिजनेस बना है इसे कहते हैं फर्म, और जो इसका ये नाम रखेंगे लाइक एक्स वाई जेड ए मैसर्स या फर्म एक्स वाई जेड, ऐसा कोई नाम रखा उसे हम लोग कहते हैं फर्म नेम। तीन बातें ध्यान रखो, जो इंडिविजुअल बेटा यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप में उन्हें बेटा हम लोग यहाँ पार्टनर कहते हैं, कलेक्टिवली इस बिजनेस को फर्म कहा जाता है, और इस बिजनेस का जो ये नाम रखते हैं, उस बिजनेस को जिस नाम से कैरी ऑन करते हैं, उस बिजनेस को हम लोग फर्म नेम कहते हैं। पांच चीजें पढ़नी, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है, डेफिनेशन हमारे लिए बेसिकली यही, मीनिंग भी वही ये लिख देना इट्स ओके, इसलिए हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में इसी वर्डिंग्स को एक को याद रख लो। किसके अकॉर्डिंग याद रखोगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल द पर्संस ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, उन्हें हम लोग पार्टनर्स कहते हैं, कलेक्टिवली हम लोग उन्हें फर्म कहते हैं, और बिजनेस जो कैरीड किया जाता है जिस नेम से, उस नेम को हम लोग फर्म नेम कहते हैं। तो अब पॉइंट आता है कि सर हमारे लिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, एक दो दिन का ही थ्योरी है ना बेटा, करना जरूरी है, तो थोड़ा पॉजिटिव लेके आगे सारा प्रैक्टिकल है, बट ऐसी चीजें सब तैयार करो जिससे कि हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन होता है। तो फिर पॉइंट आता है हमारे लिए सर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के यहाँ पर अपनी बुक में 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, बट आप 5-6 ध्यान रख लो हमारे लिए सफिशियंट है। जैसे एक्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर इस पर कौन सा एक्ट फॉलो होता है, तो अपने कहा भी ना, इस पर हमारे लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है, ध्यान रखना पार्टनरशिप पर कौन सा एक्ट फॉलो होता है, तो सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारे लिए फॉलो होता है। साथ ही में देखो अब और वर्डिंग्स देखते हैं, एक तो कितने पर्सन होते हैं, तो माइंड में लाओ सर टू और मोर देन टू पर्सन होते हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि ये ना एक प्रॉफिट होगा उसे बांटेंगे, ये एग्रीमेंट हमारे लिए होता है कि बिजनेस चलाएंगे आपस में मिलकर, समझौता होगा ना उसे एग्रीमेंट कह रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब बिजनेस क्या होगा, बिजनेस का कैरी ऑन कोई भी एक या सारे मिलकर कर सकते हैं, बिजनेस चलाएंगे और ये बिजनेस बेटा सारे मिलकर या कोई एक भी चला सकता है, और एक एक्ट, 6 बातें देखो, टू और मोर देन टू पर्सन्स, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बोले, प्रॉफिट शेयरिंग एक ही बात है, कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस के लिए करेंगे, समाज सेवा के लिए यहाँ पार्टनरशिप नहीं चलाएगा, कैरिंग ऑन बिजनेस, और कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये तो अपन ने डेफिनेशन में भी देखा, और एक हमारे लिए एक्ट लगेगा। तो बेटा हमारे लिए यहाँ पर ना 6 कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई भी 3 या 4 याद रखना, कोई भी 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जा सकता है,
तो सर ने यहाँ छह कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए, टू और मोर देन टू पर्सन, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कैरिड ऑन बिजनेस, कैरिंग ऑन बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एक्टिंग, और लास्ट बेटा हमारे लिए एक्ट। तो टेस सीसीए याद रख लें, टेस्ट सीसीए, टी एस सी सी ए बेटा, छह कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ ध्यान रख लें। टी का मतलब होगा टू और मोर देन टू पर्सन, ए का मतलब होगा बेटा एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, एस का मतलब होगा बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सी का मतलब होगा बेटा हमारे लिए कैरिंग ऑन ए बिजनेस, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल, और आखिरी में बेटा ए का मतलब हमारे लिए एक्ट होगा। तो छह कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है टू और मोर देन टू पर्सन, यहाँ दो और दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, एटलीस्ट कम से कम बेटा दो पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, कितने मैक्सिमम होने चाहिए ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कहा गया है कि कितने मैक्सिमम होने चाहिए। हाँ, लेकिन जो कंपनी एक्ट है, जैसे अपन कंपनी पढ़ेंगे ना, तो बेटा कंपनी में एक्ट फॉलो होता है, उस कंपनी एक्ट 2013 जो था उसके सेक्शन 464 में गवर्नमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर वहां दिया था, और ये मैक्सिमम उन्होंने पहले 100 दिया था। देखो मैं वापस से समझा दूं, मिनिमम तो कितने होने चाहिए, दो। मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कह रखा है, मैक्सिमम 464 सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 में तो कहा गया था कि हमारे 100 मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने 2014 में कंपनी का एक रूल निकाला, अगर अलग कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होती तो उस एक्ट में रूल्स बनाए जाते। तो 2013 में तो कहा था हमने कि भाई 100% हो सकते हैं मैक्सिमम, फिर 2014 में रूल्स बनाया और उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 है, और ये रूल 10 के अकॉर्डिंग अब हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 है। तो सर हम 100 ध्यान रखेंगे या 50, आप 50 ध्यान रखोगे। फिर सर समझा दूं, मिनिमम टू होते हैं, मैक्सिमम कितने हो ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कहा गया है, पर सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 में कहा था गवर्नमेंट ने कि 100 हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसने रूल 10 बनाया 2014 में और उससे कह दिया कि मैक्सिमम पार्टनर हमारे लिए 50 होते हैं, तो 8% हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर पार्टनर्स में हो सकते हैं। ये सबके बीच में एग्रीमेंट होगा बेटा, एक समझौता, एक डॉक्यूमेंट साइन होगा, कौन कितने घंटे काम करेगा, कौन कितनी कैपिटल लाएगा, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको सैलरी कमीशन मिलेगा, ये सबके दिशा निर्देश रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ये ना एग्रीमेंट बनाते हैं स्टाम्प पेपर पर और उस पर सारे जने साइन करते हैं। ये एग्रीमेंट हमारे लिए पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बेटा अपन, पार्टनरशिप डीड, जो ही हम आगे पढ़ेंगे। तो सारे पार्टनर आपस में जब आ रहे हैं ना, तो पहले बेटर रहता है आप एक एग्रीमेंट बना लो, ताकि कल झगड़ा ना हो कि कितने कितने घंटे कौन काम करेगा, कौन कितनी कितनी कैपिटल लाएगा। इन सब के लिए हम लोग ना एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। हाँ, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ओरल इन द सेंस आप बोलकर भी डिसाइड कर सकते हो, लिखित में भी आप ना एक स्टाम्प पेपर पर बना सकते हो, पर बेटर रहता है लिखित रहे, ताकि कल को कोई इश्यू आए तो दिखा सके, रहे भाई अपन ने ये रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किए थे, अपन ने साइन कराया, यही मानो। ओरल में तो कोई भी पलट सकता है ना बेटा, उसका प्रूफ क्या होगा, इसलिए एग्रीमेंट हमारे लिए रिटन होना बेटर होता है, बाकी ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये तो सबसे मेन है बेटा हमारे लिए, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट को बांटना जरूरी है, प्रॉफिट नहीं बांटेंगे बेटा तो उससे आप लोग पार्टनरशिप नहीं कह सकते हो। सिर्फ एक जने को प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए, और कैसे मिलेगा, जो भी उन्होंने रेशियो डिसाइड किया है कि भी आधा आधा रखेंगे, 3/4 रखेंगे, 4/2 रखेंगे, ये जो भी आपने डिसाइड किया उस रेशियो में आपको प्रॉफिट बांटना चाहिए। पार्टनरशिप का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बेटा हमारे लिए सभी पार्टनर्स में। यूजुअली पार्टनर ऑल्सो शेयर लॉस, लॉस को भी बांटना, प्रॉफिट बांटोगे तो लॉस को भी बांटना जरूरी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉस सब में बटे। जैसे अगर आपके बिजनेस में माइनर पार्टनर हो ना, माइनर 18 साल से कम का कोई पार्टनर है, तो उसको लॉस नहीं बांटो, वो प्रॉफिट में तो शेयर करेगा लेकिन वो लॉस नहीं बांटेगा। तो प्रॉफिट बांटना सब में जरूरी है, हाउएवर वैसे तो लॉस भी बांटा जाता है, लेकिन बेटा ना लॉस नहीं बांटना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि माइनर्स जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें पार्टनर बनाया जा सकता है, वो प्रॉफिट में तो शेयर होगा लेकिन उसे लॉस में उसको लॉस नहीं बांटा जाएगा। फिर आता है कैरिंग ऑन ए बिजनेस,
पार्टनरशिप का जो मकसद होता है ना वो कानून लॉफुल बिजनेस कैरी करना होता है, चलाना होता है, बिजनेस चलाना इनका मेन मकसद होता है। तो यहाँ बिजनेस का मतलब ट्रेड भी हो सकता है, वोकेशन भी हो सकता है, प्रोफेशन भी। प्रोफेशन का मतलब दो डॉक्टर मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, दो सीए मिलकर कोई पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो वो भी चलेगा। और ये बिजनेस कैरिंग कैसे होगा, मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सब भी कर सकते हैं और एनी ऑफ देम भी कर सकता है। ये तो अपने ऊपर भी का एक्ट फॉलो होता है। चलो माइंड में बिठाओ कौन सा एक्ट फॉलो होता है सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारे लिए फॉलो होता है। तो टोटल मिलाकर हमारे लिए छह करेक्टरिस्टिक्स, कोई भी तीन चार आप अच्छे से ध्यान रख लें। वर्डिंग्स मैंने आपको समझाया, टी एस सी सी ए, टी का मतलब होता है टू और मोर देन टू पर्सन्स, या कम से कम दो, मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कह रखा है। सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने कहा था कि 100 मैक्सिमम हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने इसके बाद और प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर 50 कर दिया रूल 10 में, कंपनीज रूल्स 2014 में। एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप जब एग्जिस्ट होती तो वो एक एग्रीमेंट के साथ एग्जिस्ट होती, पार्टनरशिप का जन्म ही एग्रीमेंट से होता है। तो एग्रीमेंट बेटा हमारे लिए ऑरल एंड रिटर्न दोनों हो सकते हैं, मगर डिस्प्यूट से बचने के लिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए रिटर्न होना बेटर रहता है, जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना होता है और इस प्रॉफिट को बेटा सारे पार्टनर्स में एग्रीड रेशियो में बांटना होता है। हाँ, लॉस को बांटना जरूरी नहीं है, वैसे तो लॉस बांटा जाता है, लेकिन माइनर्स को, माइनर पार्टनर को लॉस नहीं दिया जाता है। पार्टनरशिप कैरिंग ऑन ए बिजनेस लॉफुल बिजनेस को कैरी करने के लिए ही किया जाता है। बिजनेस का मतलब यहाँ ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये जो बिजनेस है मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल हो सकता है। पार्टनरशिप पर एक्ट फॉलो होता है, जिस एक्ट को हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा बेटा, डिक्टेशन जरूर लेना। अगला आता है हमारे लिए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो 8 टाइप है, वैसे 4 बेसिस पर, हर एक में 2-2, तो 4 में 2 तो 8 हो गए, है इजी, बट वर्डिंग ध्यान रखना, कोई भी डिफरेंस पूछ सकता है। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, लीगलिटी के अकॉर्डिंग, 4 बेसिस पर, लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, लीगलिटी के अकॉर्डिंग, वापस से 4 के अकॉर्डिंग, लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, लीगलिटी के अकॉर्डिंग। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग 2, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग 2, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। टाइम के अकॉर्डिंग 2, फिक्स टाइम पार्टनरशिप, नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग 2, पार्टनरशिप एट विल, क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लीगलिटी के अकॉर्डिंग 2, लीगल पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप, देखो वापस से बिठाओ। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग 2, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। टाइम के अकॉर्डिंग 2, फिक्स टाइम पार्टनरशिप, नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इनके अंदर बहुत ईजी, एक एक लाइन का वर्डिंग आराम से आ जाएगा। लीगलिटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप का पार्टनरशिप होता है बेटा हमारे लिए, लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। एग्जामिनर डिफरेंस पूछ सकता है, लिमिटेड अनलिमिटेड में डिफरेंस बताओ, फिक्स टाइम पार्टनरशिप, नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप में डिफरेंस बताओ, पार्टनरशिप एट विल या पर्टिकुलर पार्टनरशिप में डिफरेंस बताओ, लीगल इलीगल पार्टनरशिप में डिफरेंस बताओ। तो ये एक एक वर्डिंग मैंने सब दिया है, उसको प्रॉपर आपको नोटबुक में डिक्टेट करना है। तो लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग 2, लिमिटेड, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी बेटा लिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ये होता है कि एग्जांपल से समझाता हूं, देखो लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या होता है। एक्स की पूंजी कैपिटल है 1 लाख, वाई की है 2 लाख कैपिटल। अब मान लो किसी टाइम कम फॉर्म को हमें बंद करना पड़ रहा है और उस दिन फॉर्म से ना 5 लाख रुपए लोग बाग मांगते। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी हुआ ना, तो फर्म का एक्स और वाई की व्यक्तिगत असेट्स पर, उनकी व्यक्तिगत असेट्स पर, प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है तो अगर फर्म को नुकसान भी हुआ है, फर्म बंद भी करना पड़ रहा है, तो ये 5 लाख रुपए एक्स और वाई की घर से नहीं लाए जाएंगे। इनकी लाइबिलिटी सिर्फ इनकी कैपिटल तक ही रहेगी, 1 लाख और 2 लाख अगर ये अभी तक नहीं लाए तो लाएंगे, अगर ले आए हैं तो इसके अलावा इनको फर्म में कुछ भी नहीं डालना है, फॉर्म को लॉस हो कुछ भी हो। लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो ये 1 लाख 2 लाख लिया है, भले ही इनकी कैपिटल लगा चुके हैं,
अगर फर्म को 5 लाख रुपीस की अभी भी क्रेडिटर बाकी हैं जिनको चुकाना है और फर्म को अगर हम बंद कर रहे हैं तो फर्म की सारी असेट्स तो बिकेगी बिकेगी, साथ में इनकी भी प्रॉपर्टीज को बेचकर इनको पैसा चुकाया जा सकता है। तो जिसमें फर्म का पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं है, पर्सन आपका घर जो है वो आपका ही रहेगा, फर्म का कोई अधिकार नहीं है। फर्म अगर बंद भी करनी पड़ रही है तो उसको बेचकर पैसा नहीं चुकाया जाएगा। हाँ, फर्म की दुकान है उसको बेचकर चुका देंगे, फिर भी कम पड़ रहे हैं तो फिर कोई नहीं, डूब गया वो पैसा सामने वालों का। लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, तो द टाइप ऑफ पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। तो दो बातें ध्यान रखो, जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में फर्म का पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं होता है। और अगर हमारे लिए पार्टनरशिप बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुई है तो वो क्या कहलाएगा, जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अकॉर्डिंग टू टाइम, दो ऐसी पार्टनरशिप जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए की जाए, 2 महीने 3 महीने के लिए, तो वो फिक्स टाइम पार्टनरशिप। जैसे वो टाइम खत्म हुआ, पार्टनरशिप भी बेटा हमारे लिए खत्म हो जाएगी। हमने 3 महीने के लिए पार्टनरशिप करी थी, 3 महीने खत्म, पार्टनरशिप खत्म। नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप, जिसका कोई टाइम बेटा कोई ड्यूरेशन हमारे लिए फिक्स नहीं है। नो ड्यूरेशन हैज बीन फिक्स्ड, जब तक बनेंगे तब तक चलाएंगे, 10 साल 50 साल पीढ़ियों तक, टाइम फिक्स नहीं है, इसे हम लोग नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप कहते हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा अच्छे से। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो, एक होता है पार्टनरशिप एट विल और एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप समझ लो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप होती है जो किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए की जाए, पर्टिकुलर किसी एडवेंचर और अंडरटेकिंग के लिए की जाए, उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। एडवेंचर का मतलब, एक्स एक बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टर है, वाई एक बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टर है, दोनों ही अपना अलग अलग काम ही करते हैं। एक्स को ना गवर्नमेंट से एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये रोड बनाने के लिए एक्स के रिसोर्सेस कम है, एक्स अकेला इस रोड को नहीं बना सकता। तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड वाई से मिलता है और उससे कहता है, यार मेरे को एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आधा पैसा तू लगा आधा मैं लगाता हूँ, हम दोनों मिलकर इस रोड को पूरा करते हैं, जो भी पैसा आएगा वो अपन बांट लेंगे बराबर। यहाँ काम फिक्स है बेटा, इस रोड को बनाने के लिए ही ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे ही रोड बन गया इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ये वापस से अपना अपना जो बिजनेस कर रहे थे वो करने लग जाएंगे। इसको कहते हैं बेटा हमारे लिए पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग के लिए की जाने वाली पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। और ऐसी पार्टनरशिप बेटा जो किसी फिक्स टर्म के खत्म होने के बाद भी जारी रखी जाए, फिक्स टर्म का मतलब हमने 5 महीने के लिए पार्टनरशिप करी थी और वो 5 महीने एक्सपायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी इच्छा पर, हम उसे जारी रखते हैं, तो उसे पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। फिर आता है लीगलिटी के अकॉर्डिंग, दो होती है लीगल, जो कि बेटा अपने पार्टनरशिप रूल्स के अकॉर्डिंग और रेगुलेशन जो कंट्री में चलते हैं कानून के अंतर्गत बनी है तो उसे लीगल पार्टनरशिप कहते हैं। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है पार्टनरशिप तो उसे इलीगल पार्टनरशिप कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है। 4 केस में बेटा एक पार्टनरशिप को इलीगल कहते हैं, 4 केस में। अगर पार्टनरशिप को इलीगल पर्पस के लिए बनाई गई है, एक्स और वाई मिलकर बैंक में चोरी करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो इलीगल पर्पस है ना, ये पार्टनरशिप ही इलीगल कहलाएगी। जब पार्टनर्स बेटा पार्टनरशिप में 2 से कम हो जाए या 50 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 होनी चाहिए रूल में कहा गया है, 2 से कम हो गए और 50 से ज्यादा हो गए तो रूल टूट गया, पार्टनरशिप भी इलीगल हो जाएगी। अगर पार्टनरशिप बेटा पब्लिक पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट है, जनता के हित में नहीं है या अंतरराष्ट्रीय हित में नहीं है तो भी पार्टनरशिप बेटा इलीगल होगी। और अगर बेटा पार्टनरशिप में हमारे लिए ए पर्सन जो कि हमारे लिए वेन पर्सन ऑफ एन अलाइन नेशन का मतलब होता है शत्रु राष्ट्र का नागरिक बेटा अगर हमारे यहाँ कोई सदस्य हो तो पार्टनरशिप बेटा हमारे लिए इलीगल होती है। सर ये शत्रु राष्ट्र का नागरिक का मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ, थ्योरी आज खत्म कर लेते ना ताकि कल से अपन प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। एक पर्सन है राम और एक है असलम। राम है इंडिया का, असलम है पाकिस्तान का। ये दोनों एक पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, दो अलग अलग देश के लोग भी बेटा पार्टनरशिप कर सकते हैं।
और ये अपनी पार्टनरशिप चला रहे हैं, 5 साल हो गए पार्टनरशिप आराम से कर रहे थे, अचानक से इंडिया और पाकिस्तान में मान लो युद्ध छिड़ जाए और इंडिया पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित कर दे, तो क्योंकि हमारी पार्टनरशिप में असलम जो कि एक पाकिस्तान का नागरिक सदस्य था और पाकिस्तान इंडिया के लिए शत्रु राष्ट्र घोषित हो गया है, तो जैसे ही इंडिया पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र घोषित करेगा उसी समय पर हमारी पार्टनरशिप लीगल ना होकर इलीगल हो जाएगी। तो बोलो पार्टनरशिप कितने केसों में इलीगल होती है? सर 4 केसों में। एक तो बेटा हमारा इलीगल पर्पस के लिए पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश किया गया हो, नंबर ऑफ पार्टनर्स बेटा हमारे लिए लेस देन 2 और मोर देन 50 हो जाए, पार्टनरशिप बेटा हमारे लिए अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या इंटरनेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट हो, और जब आपका कोई भी ए पर्सन ऑफ अलाइन नेशन इज एडमिटेड एज ए पार्टनर्स पार्टनर इन ए फॉर्म, एक पार्टनर फॉर्म में बेटा हमारे लिए अलाइन नेशन का एडमिट हो जाए तो वो हमारे लिए इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है। देखो कितने प्रकार के हो गए बेटा, 8 टाइप हो गए ना, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन लीगलिटी। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग दो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स टाइम पार्टनरशिप, नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग दो, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और बेस्ड ऑन लीगलिटी बेटा हमारे लिए लीगल पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या कहता है कि फॉर्म का हैज नो राइट ऑन पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी, पर कोई राइट नहीं होता है उसे हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, उसे हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। फिक्स टाइम पार्टनरशिप क्या कहता है? जिसमें टर्म ऑफ पार्टनर फिक्स है और जैसे ही वो टेन्योर फिनिश होगा, टर्म फिनिश होगा, पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप बेटा हमारे लिए पार्टनरशिप किसी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं की जाए तो उसे नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है बेटा हमारे लिए फिक्स टर्म फिनिश होने के बाद भी अगर हम पार्टनरशिप को जारी रखें, क्योंकि टाइम फिक्स टर्म फिक्स होने के बाद एंड होने के बाद तो वो पार्टनरशिप खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन वो एंड हो गया, 3 महीने के लिए करी थी, 3 महीने पूरे हो गए लेकिन फिर भी हम जारी रखें तो पार्टनरशिप एट विल कहलाएगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बेटा हमारे लिए जो किसी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग के लिए किया जाए तो उसे हम लोग बेटा यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे वो पर्टिकुलर एडवेंचर पूरा हो जाए, वो रोड बनाने का काम पूरा हो जाएगा, पार्टनरशिप भी खत्म। लीगल पार्टनरशिप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंट्री के अकॉर्डिंग है वो लीगल, और जो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है वो इलीगल। 4 केस में इलीगल पार्टनरशिप होती है। इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जाए, पार्टनरशिप बेटा लेस देन 2 और मोर देन 50 हो जाए, पार्टनरशिप बेटा पब्लिक इंटरेस्ट या इंटरनेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट हो, और पार्टनरशिप में बेटा हमारे लिए अलाइन कंट्री का नेशन का कोई पार्टनर मेंबर है तो हमारे लिए पार्टनरशिप इलीगल हो जाती है। छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, खत्म कर देते हैं ताकि मैं कल से आपको प्रैक्टिकल शुरू कर पाऊँ। आराम से वीडियो पोज कर मैं ये नोट्स भी भेजूंगा, उनको डिक्टेट कर लेना। नोट्स मंगाने के लिए अगेन कह रहा हूँ, आप ग्रुप पर बेटा यहाँ पर लिंक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि मैं आपको नोट्स सेंड कर सकूँ। पार्टनरशिप डीड कहा था ना, पार्टनरशिप जब होगी एक्स और वाई आपस में जब मिलेंगे तो मिलते वक्त बेटा ये आपस में एक एग्रीमेंट कराएंगे, एग्रीमेंट जो होगा उसी से ये बिजनेस का पार्टनरशिप फॉर्म का जन्म होता है। उस एग्रीमेंट को हम लोग बेटा यहाँ पर एक रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स नॉन पार्टनरशिप डीड, क्या याद रखोगे? रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी पंचायतियां होती हैं, 4-5 याद रख लेना। इसमें बेटा हमारे फॉर्म का नाम और एड्रेस होता है, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस होता है, बिजनेस का नेचर होता है, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल कौन कौन कितना लगाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ड्रॉइंग कितना कौन कौन निकाल सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिल सकता है लगेगा, सैलरी कमीशन किसी पार्टनर को कितनी मिलेगी, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट होगा। बहुत सारी पंचायतें होती इसमें, 4-5 याद रखने, मैंने 10 पॉइंट आपको लिए। देखो क्या क्या, फर्म का नाम और एड्रेस इस एग्रीमेंट में लिखा होता है, पार्टनर का नाम और एड्रेस लिखा होता है, बिजनेस का नेचर लिखा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होता है, कंट्रीब्यूशन कैपिटल कौन कौन कितनी लगाएगा ये लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ड्रॉइंग कब कब कौन निकाल सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लगेगा, सैलरी कमीशन कितनी कितनी किसी पार्टनर को मिल सकती है, और पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है फर्म को, मतलब बिजनेस को पैसा की जरूरत है तो कोई पार्टनर भी लोन दे सकता है, उस पर हम उसको कितना इंटरेस्ट देंगे ये भी हमारे लिए इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ।
एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है, आखिरी पॉइंट बेटा, और ये आपका आज का लेक्चर फिनिश होता है, और वो कहलाएगा हमारे लिए रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ये क्या है, एक एग्जांपल से समझा दूं। एक्स और वाई एक पार्टनर है, ये लाभ अब तक प्रॉफिट 2:1 में बांटते हैं। अब 5 साल बाद वाई कहता है, यार मुझे तो प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो उसे डबल मिल रहा है। वाई बोलता है कि नहीं यार, प्रॉफिट अपने में ना बराबर बराबर बटना चाहिए। हो गया झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। अब तक बट रहा था 2:1, और अब 5 साल बाद वाई डिमांड करता है, नहीं यार लाभ बराबर बराबर बटना चाहिए। अब ये नहीं मानते, नहीं नहीं एक्स क्यों मानेगा यार, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। और वाई कहता नहीं, मेरे को कम मिल रहा, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं कि कोर्ट में जाते हैं जज साहब के सामने कि सर ना, हमने एक पार्टनरशिप करी थी, हम प्रॉफिट अब तक, ध्यान देना बेटा, बहुत काम करा, प्रॉफिट अब तक 2:1 बांटते थे, मगर वाई कहता है कि नहीं ये बराबर बराबर बांटे, आप निर्णय दो जज साहब हम क्या करें। जज साहब कहेंगे पहले तुम ऐसा करो, वो जो तुम्हारा एग्रीमेंट है ना वो लेकर आओ, पार्टनरशिप डीड जो बनी हुई, पार्टनरशिप डीड इन्होंने बना रखी थी, एक्स और वाई वो डीड लेकर आए, जज साहब ने देखा तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि एक्स और वाई प्रॉफिट 2:1 में ही बांटेंगे। जज साहब वाई से कहेंगे, अरे क्यों भाई, एग्रीमेंट्स बनाया था तो तूने ही साइन करें कि प्रॉफिट 2:1 बटना चाहिए। तो ठीक है भाई, अब तो प्रॉफिट आपको 2:1 ही मिलेगा, आपको कोई हक नहीं है क्योंकि आपने एग्रीमेंट में पहले ही साइन करा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो जज साहब जो निर्णय देते हैं ना बेटा, पार्टनरशिप डीड क्या है, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट, तो जज साहब जो निर्णय देंगे वो इस एग्रीमेंट के हिसाब से ही देंगे, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो ही फॉलो होगा। पर अगर तुमने पार्टनरशिप करी और एग्रीमेंट नहीं बना रखा है, तो फिर जज साहब इन रूल्स के अकॉर्डिंग, ये रूल पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हुए हैं, इन रूल के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन सुनाएंगे। डीड बनी हुई तो डीड के अकॉर्डिंग, डीड नहीं बनी हुई है तो फिर एक्ट में ये 7 प्रोविजन दिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन सुनाएंगे। और ये क्या है, अगर डीड नहीं बनी हुई है तो प्रॉफिट का शेयर इक्वली होगा। डीड में लिखा हुआ 2:1 तो 2:1 डजंट मैटर, डीड नहीं बनी हुई ना तो 1:1 ही होगा। किसी भी पार्टनर को बेटा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा। डीड में जो लिखा उसमें लिखा हो 15% तो 15, मैं तो कब बात कर रहा हूँ, डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, किसी पार्टनर को बेटा सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाएंगे और सारे पार्टनर को हक होगा बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का। आप शुरू के 5 मेन ध्यान रखना। पहली तो देखो पार्टनरशिप डीड क्या है, रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसमें 10 चीजें मेन ध्यान रख लो, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में चीजें लिखी होती है। हम लिख रहे हैं अब रूल्स एप्लीकेशन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, डीड है तो डीड के रूल, नहीं है तो फिर एक्ट के रूल। और वो एक्ट क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, नो पार्टनर्स एंटाइटल एनी सैलरी और कमीशन, किसी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट 6% पर एनम से अलाउ होगा, सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस कैरी करेंगे और सारे पार्टनर को राइट होगा कि वो बुक्स ऑफ फर्म को चेक कर सकते हैं, अकाउंटिंग वगैरह देख सकते हैं, उसकी फोटो कॉपी कर घर भी ले जा सकते हैं। ये आपका थ्योरी खत्म बेटा। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, 5 नंबर का चैप्टर, उसमें से 1-2 नंबर तो आपके यहाँ पक्के ही होंगे। तो आपका मैंने मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप करा दिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप हो गया, टाइप ऑफ पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया और रूल्स हो गए। कल अपन अकाउंटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ तक प्रिपेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर दें ताकि मुझे पता चले मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए उसका क्या बेनिफिट।